आपके पास IQ Z9S Pro है या फिर Z9S 5G कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे अलार्म सेट कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे अलार्म के लिए आपको यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करना है। क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो क्लॉक इस टाइप से ओपन होता है। तो यहाँ पे अलार्म पे क्लिक करेंगे तो आपको दो अलार्म देखने को मिल जाते हैं, एक तो 8:30 बजे का मंडे टू फ्राइडे और एक सैटरडे संडे का 9 बजे का। तो आप इन दोनों में से चाहो तो कोई एक ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो इनका नहीं करना है, हमें दूसरा करना है, तो यहाँ पे प्लस पे गए और अपना खुद का टाइम सेट कर लिया क्लॉक को घुमा के। जैसे सुबह 5 बजे का चाहिए, 5 बज के कितने मिनट का, 5:30 बजे का, ये देख लेंगे। अच्छा, ये वाली क्लॉक किसी को नहीं घुमानी आती है, तो यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये वाला टाइम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको कट करके भी लिख सकते हैं। सुबह का चाहिए तो AM कर लेंगे, शाम का चाहिए तो PM कर लेंगे, लेकिन मेरे को मॉर्निंग का करना है तो मैंने AM कर लिया। इसके बाद यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे मैं हर दिन का कर दूंगी। जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन अनचेक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मंडे टू सैटरडे मेरा सेट हो चुका है अलार्म का डे। और इसके बाद यहाँ पे आपको अलार्म का रिंगटोन देखने को मिल जाता है, यहाँ सेट कर लेंगे। ये वाइब्रेशन ऑन रखेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करके वाइब्रेशन का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। लेबल की बारी आ जाती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अलार्म में। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप क्या करते हैं, उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद कितनी देर बाद दोबारा से रिमाइंड होना चाहिए, 10 मिनट, ठीक है। ये हो गया सेटअप, चेक मार्क पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, कई लोगों के फ़ोन में AM PM शो नहीं करता है, वहाँ पे 12 13 14 इस टाइप से रिले फॉर्मेट शो करता है, तो अपना क्लॉक जाके ठीक कर लो। तो वहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा, AM PM, अदरवाइज रेलवे फॉर्मेट आता है। इसके बाद 3 डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अलार्म से रिलेटेड कुछ सेटिंग है, कितनी देर बाद अलार्म बंद होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट कर दूंगी। इसके बाद अलार्म का वॉल्यूम कितना तेज़ या कम सुनना पसंद करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज को 5 सेकेंड कर देंगे ताकि अचानक से बहुत तेज़ अलार्म ना बजे। वॉल्यूम बटन से यहाँ डिसमिस पे सेलेक्ट कर दूंगी ताकि वॉल्यूम से बटन से कट हो जाए अलार्म। पावर बटन अलार्म रिंगिंग, ये पावर ऑफ अलार्म रिंगिंग ऑन रखेंगे। फ़ोन आपका ऑफ रहेगा तब भी आपका अलार्म बजेगा, और इसके बाद कुछ नहीं करना, बैक कर लेना है। अलार्म की फुल सेटिंग हो चुकी है, अब अलार्म बंद करना है तो बंद कर देंगे, ऑन करना है तो ऑन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।